एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। मैं नीना आज आप सबके फेवरेट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। तो जी हाँ, चॉक, स्लेट, पेंसिल, क्ले, पॉट, मिट्टी, ईटिंग हैबिट्स, इसी के लिए हम अवेयरनेस फैलाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि इन चीज़ों को खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और कितने जानलेवा हो सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि मैंने दो दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो को मैंने कर दिया है डिलीट। और मुझे डिलीट क्यों करना पड़ा, क्योंकि मुझे धमकियां मिल रही थी कि आपके चैनल को हम कॉपीराइट भेजेंगे, और वो भी ऐसा वाला कॉपीराइट जो कि आपका चैनल समझो कि उड़ ही जाएगा। और सेकंड धमकियां आ रही थी मुझे कि आपको साइबर क्राइम पर रिपोर्ट लिखवा देंगे आपके अगेंस्ट, और आपकी मर्जी है, आप हमारी वीडियो को डिलीट करें। तो देखो, सीधी सी बात है, ये चैनल मेरे लिए मेरे बच्चों जैसा है, और मुझे लगता है कि हर यूट्यूबर के लिए उसका चैनल उसके बच्चों जैसा होता है। एक एक सब्सक्राइबर्स जब बढ़ते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है जो कि शब्दों में बिल्कुल भी बयां नहीं की जा सकती। तो इस बच्चे जैसे चैनल को मैं किसी और के लिए डिलीट होने दूँ, ये मैं होने नहीं दूँगी। मैं एक एक दिन रात मेहनत करके इस चैनल को ग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ, और एक एक व्यू आता है, एक एक कमेंट आता है, एक एक सब्सक्राइबर बढ़ता है, मेरे लिए ये गोल्डन टाइम से कम नहीं होता है। तो ऐसे चैनल को मैं यूं ही जाने दूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है कि हर यूट्यूबर के लिए उसका चैनल उसके बच्चों जैसा ही होता है। वो एक एक दिन, एक एक पल उस चैनल को ग्रो करते हुए, देखते हुए, बढ़ते हुए, देखते हुए बहुत खुश होता है, सेम मेरी तरह। सो, मैं इस तरीके के लोगों के लिए अपना चैनल डिलीट कर दूँ? नहीं, ये तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा चैनल मुझे मेरे दिल से भी दिल से जुड़ा हुआ, मेरे दिल से जुड़ा, और आप सब भी मेरे दिल से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं इस चैनल को। तो मेरे लिए ऐसी वीडियोस मायने नहीं रखती हैं। जहाँ मैंने 10 वीडियो के लिए मेहनत करी है, वो मेहनत मेरे लिए ज़्यादा मायने रखती है, एक वीडियो के लिए नहीं। तो सो मैंने डिलीट कर दिया। मैंने ये चैनल लड़ाई करने के लिए नहीं खोला है, मैंने ये चैनल हंसी खुशी, पॉजिटिविटी और अवेयरनेस, पॉजिटिव अवेयरनेस के लिए बोला है। तो चलो, और देखो, चॉक, स्लेट, पेंसिल, मिट्टी, खाने की जो आदत है ना लोगों को, अब मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, तो कोई भी मुझे नहीं कह सकता है कि आपने मेरा नाम इस्तेमाल किया है। आप अपने दम पे करिए जो करना है, तो मैं अपने दम पे ही बोल रही हूँ। चॉक, स्लेट, पेंसिल और क्ले, पॉट, ईटिंग, खाने की जो हैबिट्स है ना, जिनको जिनको भी पड़ी हुई हैं, तो उन हैबिट को अगर आप छोड़ दोगे तो आपके लिए बहुत सही रहेगा, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा, आपकी स्वास्थ्य सही रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो चॉक, स्लेट, मिट्टी, पेंसिल, पॉट, क्ले, पता नहीं ब्ला ब्ला, वो लोग हम तो सालों से खाते आ रहे हैं, हमें तो 4 साल हो गए, हमें तो 5 साल हो गए, हमें तो कुछ नहीं होता है। तो देखो बहनों, अभी थोड़ी होगा आपको कुछ, अपनी एज का इंतज़ार करो, इंतज़ार करो मिडल एज का। जब तुम मिडल एज में पहुंचोगे, जब तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं देगा, समय से पहले ही साथ देना छोड़ देगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहती थी। तब आप मेरी वीडियो को खोल के ज़रूर देखोगे कि हाँ, ये बहन सही बोलती थी, वो बहन मैं हूँ। जो मैं आप सबको कह रही हूँ कि मत खाओ तो मत खाओ। अब अपना अपना सबका नज़रिया होता है, कोई लोग अगर व्यूज़ के लिए खा रहे हैं तो उनके जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं है। यहाँ पर मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, तो आप लोग मुझे कॉपीराइट नहीं भेज सकते हो। मैं पर्टिकुलर समझाना चाहती थी सबको, लेकिन किसी को समझ नहीं आना चाहता या कोई समझना नहीं चाहता है तो वो उसकी मर्जी, पर मैं पर्टिकुलर समझाना चाहती थी फॉर एग्जांपल दे करके कि इस तरीके से आप लोगों को नहीं करना है।
कईयों ने कहा कि आप ऐसे लोगों के चैनल डिलीट करवा दीजिए, बट मैं जानती हूँ, एक यूट्यूबर जानता है कि एक चैनल को लोग ग्रो करने में कितनी मेहनत करते हैं। एक यूट्यूबर ही इस चीज़ को, दर्द को समझ सकता है। तो मैं किसी को कॉपीराइट कैसे भेज दूँ, मैं किसी का चैनल कैसे बंद करा दूँ? मैं किसी का चैनल बंद नहीं करा सकती हूँ, सिर्फ मैं अवेयरनेस दे सकती हूँ कि आप लोग इस तरीके के जो वीडियोस बना रहे हो, इससे आप लोगों को भी बढ़ावा दे रहे हो। आपकी वीडियोस को देख करके किसी का भी मन कर जाएगा कि अरे कितने यम तरीके से खा रही है, कितने क्रंच आ रहा है, तो चलो मैं भी खा लेती हूँ। तो ये चीज़ हो जाती है, इस चीज़ को सिर्फ समझा जा सकता है। मैं फोर्सफुली किसी को फोर्स नहीं कर सकती हूँ, मैं सिर्फ अपनी अवेयरनेस फैला रही हूँ। आप लोगों को समझ आता है तो समझो, नहीं समझ आता तो दैट्स इट। हो सकता है कि एज और अपनी सोच के हिसाब से आपको एक रहते टाइम रहते हुए समझ आ जाए। मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती हूँ, मैं सिर्फ अपनी वीडियोस के जरिए आप सबको बता ही सकती हूँ। अच्छा, अब आप बताइए कि अगर मैं आप सबको बोल रही हूँ, कोई चीज़ से जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो थोड़ा दुखी मन से ही बोलते हैं, तो इस टाइम पे मैं दुखी मन से ही बोल रही हूँ कि लोगों को एक छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आती है। तो ऐसे में मुझे कमेंट आया है कि आप पहले अपना बोलने का तरीका देखिए कि आप बोलते कैसे हो, कि आप मतलब किस तरीके से, मतलब अग्रेसिव तरीके से बोल रहे हो। तो मैं अग्रेसिव तरीके से नहीं बोलती हूँ, मेरा एक्चुअली क्या है, जब किसी चीज़ को दिल से दर्द होता है ना, तो आवाज़ ऐसे ही मेरी निकलती है। मैं पोलाइटली नहीं बोल सकती हूँ उस टाइम पे जब किसी चीज़ का दर्द हो रहा हो। तो मुझे इस चीज़ का दर्द है कि मेरी जो माताएं, बहनें, बेटियां जो इस तरीके की लत में आ रही हैं, या फिर मेरे बेटे भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, जो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, खा रहे हैं, जो मतलब चॉक, स्लेट, पेंसिल, ये सब चीज़ें, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मुझे अंदर से दर्द होता है कि उनके साथ ना जाने क्या होगा, कल को आपके बच्चे बड़े होंगे और बच्चों को प्रॉब्लम्स होगी। ये चीज़ों को क्यों नहीं समझते आप लोग कि आज तो आप अच्छे हो, आपका शरीर भी चल रहा है, आप सारे काम भी कर रहे हो और साथ में चॉक, स्लेट, पेंसिल, मिट्टी, ब्लाबला भी खा रहे हो, है ना। लेकिन आप सोचिए कि कुछ आने वाले टाइमों में 10 सालों बाद आपका शरीर हो सकता है कमज़ोर पड़ जाए, काम करना बंद करे, तो ऑफकोर्स आप अपने बच्चों पर ही बर्डन बनोगे। तो इन चीज़ों को आप समझो, डीपली समझो। आपको कई तरह की बीमारियां लगेंगी, तो आपके बच्चे जो है आपकी बीमारियों पर ही पैसा खर्च करते रहेंगे, तो वो अपनी खुशियां कब पूरी करेंगे? तो आप डीपली सोचना शुरू करिए प्लीज़। मैं आप लोगों की दुश्मन नहीं हूँ जो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ। मैं घर घर आकर के तो आपको बताने नहीं वाली हूँ, बस मैं यूट्यूब के माध्यम से ही बता सकती हूँ, तो मैं बता रही हूँ। और आप लोगों को अगर समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप सबकी मर्जी, यही बोल सकती हूँ। कई लोग कहते हैं कि आप सिर्फ व्यूज के लिए ये ड्रामा कर रही हो, आप लोगों से चिढ़ रही हो, आप लोगों से चिढ़ जल रही हो कि उनके व्यूज आ रहे हैं, उनके अच्छे फॉलोवर्स हैं, क्योंकि वो लोग ऐसे वैसे जो भी है क्रंच देख रही है, जो भी आया, आप लोगों की जो भी सोच है। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे जेलस फील कभी किसी से नहीं हुआ है। ये मेरा भगवान भी जानता है कि मैं जिंदगी में कभी किसी से जेलस नहीं करती हूँ, और ये छोटी छोटी बातों पे जेलस, मैं तो किसी बड़ी बात पे भी कभी जेलस फील नहीं करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जेलस फील करना मेरे नेचर में है ही नहीं, मुझे कभी जेलस फील किसी से हुआ ही नहीं है। आप लोग कैसे सोच लेते हो कि जेलस फील हो रहा है? मैं हूँ एक हैप्पी पर्सन, बिल्कुल इस फेस की तरह, चाहे दुख है सुख है, मैं बिल्कुल हैप्पी पर्सन हूँ, मैं कभी भी जेलस नहीं करती हूँ। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं लोगों से जेलस कर रही हूँ, तो प्लीज़ अपनी इस छोटी सोच को थोड़ा सा बड़ा कर लो मेरी तरह। और कई लोग कहते हैं कि आप अपने काम से मतलब रखिए, आप अपना काम करिए, आप अपना घर संभालिए। तो मेरा घर स्वर्ग से कम नहीं है, मैंने अपने घर को बिल्कुल स्वर्ग की तरह बना रखा है। मैं अपने घर में एक एक चीज़ से इतना प्यार और केयर से रखती हूँ ना कि आप सोच भी नहीं सकते, आप दूर दूर तक नहीं सोच सकते।
मैं हर एक चीज़ को इतना संवार के रखती हूँ। तो मेरे घर में जो भी चीज़ें हैं मैंने बढ़िया से संभाली हैं। मैं घर के साथ साथ मैं बिजनेस भी हैंडल करती हूँ। तो आप लोग जो कह रहे हो कि मैं घर संभालूँ, मेरे जैसा घर कोई नहीं संभाल सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे से भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग बैठे हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, पर मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बखूबी अपना मेरा जो किरदार है मैं बखूबी निभाती हूँ। मैं कहीं किसी को कमी नहीं होने देती हूँ किसी भी चीज़ में। तो चलो बाकी देखो, जो भी इस तरीके की हैबिट्स आप भी आगे जो आने वाली जनरेशन है, तो मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि आप इस तरीके की वीडियोस को मतलब कि ऐसी जो यूट्यूबर्स हैं जो ये सब काम कर रहे हैं, खाना चॉकलेट पेंसिल मिट्टी का दिखाते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उन वीडियो को डिलीट करवाइए या कुछ है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हर यूट्यूबर का उसका चैनल उसके बच्चे जैसा ही होता है। बस आप ऐसी वीडियोस को प्रमोट मत करिए, ऐसी वीडियोस का सपोर्ट मत दीजिए जो लोग इस तरीके के कंटेंट लेकर आ रहे हैं, जो लोग खाने की हैबिट्स ये वो सैलर ये समथिंग वगैरह। तो ऐसे लोगों की आप वीडियोस को मत देखिए, लाइक मत दीजिए, ताकि उन लोगों को बढ़ावा ना पड़े और जो आगे आने जाने वाली जो जनरेशन है उनके ऊपर गलत असर ना पड़े, और जो आगे अभी चल भी रही है जनरेशन तो वो भी सुधर सके, है ना। तो बस यही चाहती हूँ, मैं इतना सही चाहती हूँ। बाकी मैं आप सबको कह ही सकती हूँ, फोर्स तो नहीं कर सकती किसी को भी फोर्स नहीं कर सकती। आप सबकी अपनी अपनी मर्जी है, क्योंकि बहुत सारे लोग उठ करके आ जाते हैं उल्टे सीधे कमेंट करने, और बहुत सारे लोग हैं जो समझना नहीं चाहते हैं इन चीज़ों को, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन टाइम रहते आप लोग जब समझोगे तो शायद मुझे ही याद करोगे। तो चलो फ्रेंड्स, फिर बहुत हो गया, और कहोगे कि भाषण ही देती रहती है। मैं भाषण नहीं देती हूँ एक्चुअली, जो मेरे दिल से निकलता है वही आपके साथ शेयर करती हूँ। इस वीडियो का एंड मैं इन्हीं शब्दों के साथ करती हूँ। अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा, और चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों आप लिखिएगा। ऐसा नहीं कि मैं आप सबके नेगेटिव कमेंट से परेशान होती हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं नेगेटिव कमेंट से कभी परेशान नहीं होती, क्योंकि वो मुझे पता है कि आप सबका दायरा उतना है, आप सबकी सोच उतनी है, तो आपका कलयुग का वही होता है ना प्रभाव कहते हैं, तो वही आपके ऊपर चल रहा है, तो आप लोगों को इतनी समझ नहीं होती है ना, तो आप अपनी समझ के हिसाब से फिर कमेंट दे देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए फिर इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।